नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था के 7वें हफ्ते के बारे में। दोस्तों अब आप और आपका बच्चा दोनों ही तेजी से डिलीवरी की ड्यू डेट की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकांश शारीरिक समस्याएं दूर हैं। अब आप अपने बच्चे के बारे में सोचने लगे होंगे। आइए देखते हैं इस हफ्ते आप कैसा महसूस करेंगे और इस समय बच्चे में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। प्रेग्नेंट महिला में इस समय बहुत से शारीरिक बदलाव होंगे। प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के इस सप्ताह में थकान या मतली जा चुकी होगी। शिशु के बढ़ने की वजह से आपके गर्भाशय और पेट का आकार भी बढ़ रहा होगा। इसकी वजह से अब आपको जल्दी जल्दी सीने में जलन या अपच जैसी पाचन समस्याएं हो सकती हैं। शिशु के साथ प्लेसेंटा भी बढ़ रहा है। प्लेसेंटा की मदद से बच्चे को पोषण मिलता है। प्रेगनेंसी के खत्म होने पर प्लेसेंटा का वजन लगभग 500 ग्राम होता है। बाल घने और स्किन ग्लोइंग बनेगी। इस समय 10 में से एक महिला को स्ट्रेस या बेचैनी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही आपको और भी लक्षण देखने को मिलेंगे। इस समय पेट पर काली लकीर बनेगी। आप अपने पेट पर एक काली लकीर देख रहे होंगे जो पेट के बीचों बीच नाभि के नीचे तक जाती है। इसे लीनिया निग्रा भी कहते हैं। डिलीवरी के बाद यह अपने आप गायब हो जाती है और यह सामान्य है कि यह पेट की त्वचा के फैलने से बनती है। इस समय त्वचा पर धब्बे हो सकते हैं। आपकी गर्दन, चेहरे और हाथों पर गहरे रंग के धब्बे नजर आने लगेंगे। 50-70% महिलाओं में ये लक्षण दिखाई देते हैं। ये सामान्य है। इनसे बचने के लिए बेहतर है आप ज्यादा समय तेज धूप में ना निकले। इस समय पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। सीने में जलन, कब्ज बरकरार रहेगी। इससे बचने के लिए एक साथ अधिक खाना खाने की जगह थोड़ा थोड़ा करके खाएं। सुबह शाम हल्की कसरत या टहलना जारी रखें। साइटिका का दर्द। इस समय आपको साइटिका का दर्द हो सकता है। कुछ महिलाओं में किसी एक पैर में तेज दर्द हो सकता है। ऐसा साइटिका नर्व में दर्द की वजह से होता है। यह दर्द कमर कुल्हे से होते हुए आपके पैरों तक पहुंच सकता है। आपके और आपके बढ़ते बच्चे की वजन की वजह से ऐसा हो रहा है। अधिक खड़े होने से बचें। करवट लेकर सोएं। घुटने और टखने के बीच तकिया रखें। इसके अलावा आपको थकान, नींद संबंधी परेशानियां, मसूड़ों में सूजन और खून आने, पेट में एक तरफ दर्द, सिर दर्द, नाक में खून आना, पेट फूलना, कब्ज, अपच, सीने में जलन, ब्रेस्ट में दर्द, पैरों में एंटर, गर्मी लगना, चक्कर आना, हाथ और पैरों में सूजन, यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके साथ ही इस समय आपको आपके बच्चे में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके बच्चे का वजन अब करीब 140 ग्राम के आसपास होगा। आकार समझ ले करीब 13 सेंटीमीटर लंबा हो गया होगा। अब वह आपकी आवाज और स्पष्टता से सुन पा रहा होगा। इस समय अगर आप कुछ गुनगुनाएं तो वह भी आवाज के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। इसके साथ ही इस महीने में गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप फ्लैट हील पहनना बंद कर दें। पेट निकलने की वजह से अब आपको पोस्चर पर ध्यान देना होगा। अभी आप दर्द को दूर करने के लिए मालिश की मदद ले सकती हैं। शरीर को आराम देने के लिए मालिश सबसे अच्छा तरीका है। कोई और तकलीफ होने पर अपने डॉक्टर से बिना देरी किए संपर्क करें, लेकिन घबराएं नहीं। संतुलित डाइट लें और डॉक्टर की सलाह पर लो इंटेंसिटी वर्कआउट करें। इससे आप और आपके शिशु दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों यह थी गर्भावस्था के 7वें हफ्ते के बारे में जानकारी। इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर